हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एंजाइटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 मार्च 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों से कल वादा किया हुआ था कि अब से आपको करंट अफेयर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो उनमें से लगभग 70% चेंजेस आज वाली वीडियो में हुए हैं। कुछ और चेंजेस आपको अगले वीडियोस में देखने को मिलेंगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी दिए, सजेशंस भी दिए, उनको भी इसमें लिया गया है, शामिल किया गया है, काफी सारे सजेशंस को माना गया है। तो इस हिसाब से आज का करंट अफेयर आपको 70% और ज्यादा अच्छा दिखेगा। कल 30% और ज्यादा अच्छा जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद से आपको करंट अफेयर डेली पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। इसकी पीडीएफ और क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, तो गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लो। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग करते हैं कल की वीडियो का रिवीजन। कल की वीडियो आप भूल तो नहीं गए? कल की वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस जो बात किए हुए थे कौन कौन से थे, वो था दोस्तों किसकी पुण्यतिथि पर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, तो भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु जी की जयंती पर मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में डोल यात्रा उत्सव मनाया गया, तो पश्चिम बंगाल में मनाया गया डोल यात्रा उत्सव। एक्स दस्तलीक अभ्यास ये उज्बेकिस्तान में हुआ, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। नासा ने 65 नए ग्रहों की खोज करी हुई है। 5वां विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड में नीति आयोग ने 75 महिलाओं को सम्मानित किया हुआ है। इसके बाद आईक्यू एयर की एक इंडेक्स आई थी, विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट, इसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल कर के आई, जैसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये नई दिल्ली है लगातार दूसरी बार, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है वो बांग्लादेश है, भारत का भिवाड़ी शहर जो है ये भारत का सबसे गंदा शहर बनकर के आया है, ठीक है ना, एयर क्वालिटी के मामले में। इंडियन सुपर लीग का खिताब हैदराबाद एफसी ने जीता हुआ है। नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल हाउस प्राइम इंडेक्स जारी किया, इसमें भारत दोस्तों है 51वें स्थान पर। हाल ही में प्रिट्जर पुरस्कार जीता फ्रांसिस कैरेज ने और पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान बन गया है कुवैत। ओके, तो ये तो थे दोस्तों कल के क्वेश्चंस जिनका आप लोगों ने रिवीजन किया, टॉप 10 क्वेश्चन। अब हम लोग आज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आंसर भी बता देता हूँ कल के क्वेश्चंस ऑफ द डे का। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे कल मैंने आपसे दो पूछे थे हर बार की तरह। इसमें पहला था दोस्तों लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल किसने शुरू की, HDFC बैंक ने शुरू की। तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल होता है 7 वर्षों का। ओके अच्छा, इस वीडियो में हमारा फोकस ये भी रहेगा कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 24 मार्च को मनाया गया, तो 24 मार्च को दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। इसके अलावा जिसे टीबी दिवस भी कहते हैं, इसके अलावा दोस्तों सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हालांकि इंपॉर्टेंट केवल विश्व क्षय रोग दिवस ही है, तो मनाया तो दोनों जाता है, उपरोक्त दोनों ऑप्शन में आप लगाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट विश्व क्षय रोग दिवस ही है। यहाँ पर आप विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस देखेंगे, ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना, 21 मार्च को। अच्छा, मार्च मंथ के जो डे एंड थीम होते हैं उसमें मैं उनको भी ऐड करवा दूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हो सकता है मैं भी पूछ लिए जाए, तो आप लोग जिससे उसको भी तैयार कर पाए। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस एक रोग है, टीबी एक रोग है, आप सब लोग अवेयर हो इससे। 24 मार्च को पूरी दुनिया में इसके बारे में और ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसे तपेदिक या क्षय रोग भी कहा जाता है, तो चाहे विश्व तपेदिक दिवस कहा जाए, चाहे विश्व क्षय रोग दिवस कहा जाए, चाहे विश्व टीबी दिवस कहा जाए, सब आप एक ही मानेंगे, 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि 24 मार्च को ही 1882 में दोस्तों रॉबर्ट कोच, जो कि दोस्तों टीबी के कारण वाले जीवाणुओं की खोज किए थे, तो इन्होंने इसी दिन इसकी खोज करी हुई थी 24 मार्च को, इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखना है आपको, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ओके, अब बात करते हैं मार्च महीने के अभी तक जो भी आए हैं महत्वपूर्ण दिवस उनकी, क्विकली हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। 1 मार्च को दोस्तों विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 1 से 7 मार्च जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, धूम्रपान निषेध दिवस दोस्तों मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, और मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। CISF स्थापना दिवस दोस्तों 10 मार्च को मनाया जाता है, और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है।
15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस और 18 मार्च को ही विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मार्च मंथ में 18 मार्च को ही विश्व ग्लोबल रिसाइकल डे मनाया जाता है, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव के लिए उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी। विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को और विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों 23 मार्च को। अच्छा, यहाँ पर याद रखना है 20 मार्च को दोस्तों गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, गौरैया दिवस, ठीक है। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, क्लियर। ये महत्वपूर्ण दिवस हो गए। चलिए आज की वीडियो में हम लोग एंड में बात करेंगे पुस्तकें और लेखक की। एक एक टॉपिक रोज उठाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिविजन करवाऊंगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरमम को जीआई टैग मिला? तो ये दोस्तों है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का एक वाद्य यंत्र टाइप का है, कुछ इस प्रकार से देखता है। तो ये तमिलनाडु का एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये नरसिंहपेट्टई नागस्वरम जो है शास्त्रीय पावन संगीत वाद्य यंत्र है, जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है, तो इसको जीआई टैग मिला है। अभी तमिलनाडु के और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला था? तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम वाद्य यंत्र को, कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग्स को, कला कुरुचि लकड़ी की नक्काशी को और कन्याकुमारी लौंग को, इनको उनको मिल चुका है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। अच्छा, जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए पहले 1999 में बिल लाया गया था, वो बिल एक्ट जाकर के बना 2003 में। 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया। किसको दिया गया है? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। इसका कार्यकाल क्या होता है? 10 वर्ष का। एक बार जीआई टैग मिलता है तो 10 वर्षों तक वो जीआई टैग रहता है उसके पास, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब तमिलनाडु के बारे में देख लो, आप मैप में तमिलनाडु है कहां पर? तो इंडिया के मैप में आप देखोगे तो यहां पर है तमिलनाडु। चेन्नई यहाँ की राजधानी। एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से हैं, ये नाम याद रखना है आपको। अभी ओरुवल ओरुनिन करके नाम का इनका एक आत्मकथा लॉन्च हुआ। आर एन रवि यहाँ के गवर्नर है, मुख्य न्यायाधीश है एम दुर्राई स्वामी। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में आयोजित ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता? तो लक्ष्य सेन भारत के स्टार बैडमिंटन के खिलाड़ी, इन्होंने जीत लिया है दोस्तों सिल्वर मेडल। हालांकि ये फाइनल हार गए, तो फाइनल जो हारता है उसे सिल्वर मिलता है, फाइनल जीत गए तो गोल्ड मिलते, लेकिन काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में। अच्छा, एक बात और है, लक्ष्य सेन दोस्तों देखिए यहां तक पहुंचे हैं ना, ये भी कम अचीवमेंट नहीं है। अभी तक सिर्फ दो ही भारतीय खिलाड़ी हैं जो ये ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीत पाए हैं। एक तो प्रकाश पादुकोण जो कि दीपिका पादुकोण के पापा हैं, और इसके बाद एक पुलेला गोपीचंद। तो केवल यही दो है अभी तक भारत में जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी। लक्ष्य सेन सिल्वर मेडल पर तक पहुंचे यानी फाइनल हारे। ये दोस्तों विक्टर एक्सल सेन से हारे हुए हैं, जो कि करंट टाइम पर ओलंपिक के चैंपियन भी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने जीता हुआ था गोल्ड मेडल, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो, अभी हुआ था एक विश्व चैंपियनशिप। विश्व चैंपियनशिप में दोस्तों लक्ष्य सेन ने जीता था कांस्य पदक और किदंबी श्रीकांत ने जीता था सिल्वर मेडल। एक ही चैंपियनशिप में दो मेडल भारत को मिले थे, क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2023 के विकास के अनुमान को घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 2023 वाला फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसके लिए फिच रेटिंग्स ने अपना अनुमान घटा दिया है। ये अनुमान अब बता रहा है 8.5% का होगा, नया अनुमान फिच रेटिंग्स के द्वारा जारी किया गया है। ये एक रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, और इसके अनुसार पहले जो बताया गया था वो था 10.3% का, लेकिन अब घटा करके बता रहे हैं 8.5%। इन लोग को कोई और काम नहीं होता है, ये लगातार ऐसे ही बार बार रेटिंग्स बताते रहते हैं, हम लोग को याद करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा आप लोग इस पर प्रेशर मत डालिएगा, मैंने आपको हर बार बताया हुआ है, जब आपका एग्ज़ाम हो तो उस टाइम पर जो लेटेस्ट हो केवल उसी के टाइम को पढ़ो, ठीक है। ये जो रेटिंग एजेंसियों को द्वारा जारी किया जाता है डेटा, उसको आपको सिर्फ CSO का ध्यान रखना है, ठीक है ना। CSO का ध्यान रखना है, RBI का ध्यान रखना है, ठीक है, और एक दो और संस्थाएं हैं उनको भी पढ़ लेना, लेकिन वही लास्ट टाइम पर, ठीक है, बार बार नहीं पढ़ना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं बार बार घटाते बढ़ाते रहते हैं, कन्फ्यूजन पैदा होती है, ठीक है। चलो फिलहाल इसने बताया है कि ये GDP ग्रोथ रेट जो होगी इंडिया की वो
2021-22 के लिए 8.7% होगी जो करंट टाइम पर है, ठीक है, और ये 2023 वाली है जो 8.5% किए हुए हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना, जीडीपी होता क्या है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, साल भर में कोई वित्तीय वर्ष में देश के अंतर्गत जो भी वित्तीय सेवाओं का और उत्पादों का उत्पादन होता है वो सभी जीडीपी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगला, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो अभी हाल ही में दोस्तों डेनिस पार्नेल को सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार से। एबल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैथ के क्षेत्र का दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तो डेनिस पार्नेल को दिया गया। ये अमेरिकी गणितज्ञ है जो कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, ये फेमस अमेरिकी गणितज्ञ हैं, बहुत सारे अवार्ड इससे पहले भी पा चुके हैं, अभी इनको एबल पुरस्कार मिला है, गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। क्यों दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। क्यों दिया गया, टोपोलॉजी में इनके व्यापक कंट्रीब्यूशन के लिए और विशेष रूप से इनके जो बीजगणितीय ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में इनका योगदान रहा है उसके लिए दिया गया है। टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी दोस्तों गणित का ही एक क्षेत्र है होता है, 19वीं शताब्दी में ये अस्तित्व में आया था और इसका जो रिलेशन होता है ये सतहों के गुणों से हुए जो विकृत होने पर भी बदलते नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के साथ समझौता जारी किया। चेन्नई सुपर किंग, अब आप कहोगे ये तो आईपीएल टीम है तो इसके साथ किसी बैंक ने साझेदारी की है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की हुई है और इस कार्ड का नाम होगा चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इसकी ब्रांडिंग बढ़ेगी इस क्रेडिट कार्ड की और लोग जो चेन्नई सुपर किंग के फॉलोअर्स हैं, जो फैन फॉलोअर्स हैं, वो इस क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये कहना है आईसीआईसीआई बैंक का। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल की टीम है एक, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चार बार की ये आईपीएल विजेता है, 2010 में आईपीएल जीती, 2011 में आईपीएल जीती, 2018 में आईपीएल जीती और 2021 में यानी करंट टाइम की भी यही चैंपियन है। चार बार की आईपीएल विजेता है, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में ये चारों बार जीती हुई है, पांच बार उप विजेता भी रही हुई है, यानी कि आप देखो कि 9 बार तो ये फाइनल खेल चुके हैं। यूनिकॉर्न बनने वाली अभी भारत की पहली स्पोर्ट फ्रेंचाइजी बनी हुई थी, आपको पता होगा यूनिकॉर्न क्या होता है, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन प्लस हो जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो ये भारत की पहली स्पोर्ट फ्रेंचाइजी बनी जो यूनिकॉर्न क्रॉस कर गई। अभी दोस्तों लेटेस्ट कल की न्यूज है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी रविंद्र जडेजा को दे दी है, तो चलो इसको हम लोग कल की वीडियो में क्वेश्चन लेकर के कवर करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी जो इतना सक्सेसफुल बनाए इस टीम को, वो अब कप्तानी छोड़ दिए हैं, रविंद्र जडेजा को सौंप दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें, 1994 में स्थापना हुआ था, वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर और संदीप बख्शी इसके सीईओ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मशहूर टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा की है, तो दोस्तों एस्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। एस्ले बार्टी ये बहुत ही फेमस दोस्तों ये टेनिस की खिलाड़ी है, वर्ल्ड की नंबर वन पर है, वर्ल्ड की नंबर वन टेनिस खिलाड़ी है महिलाओं में, ठीक है, और नंबर वन रहते ही इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी और तो और इनकी उम्र है महज 25 वर्ष, यानी कि अब ये कह सकती हैं हम लोगों को कि जिस उम्र में आप ये कर रहे हो उस उम्र में हम 3 ग्रैंड स्लैम जीत करके, दुनिया के 3 सबसे बड़े खिताब जीत करके संन्यास ले लिए हैं। अब देखो कौन कौन से जीते इन्होंने, इन्होंने जीते फ्रेंच ओपन जीता कब, 2019 में जीता। इसके अलावा इन्होंने विंबलडन ओपन जीता 2021 में और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन की भी ये करंट टाइम पर चैंपियन है 2022 की, ऑस्ट्रेलिया की ही ये रहने वाली हैं एस्ले बार्टी। तो महज 25 साल की उम्र में ये संन्यास ले चुकी हैं और तो और बीच में एक बार इन्होंने टेनिस में ब्रेक भी लिया था और उस ब्रेक के दौरान 2014 से 2016 के बीच ये क्रिकेट खेलने चली गई थी। ये तो वही बात हुई एबी डिविलियर्स वाली, जैसे एबी डिविलियर्स हैं मल्टी टैलेंटेड वैसे ही ये भी हैं, क्रिकेट खेलने चली गई थी और क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हैं ये, ठीक है, मतलब अच्छा क्रिकेटर भी हैं ये, टेनिस खिलाड़ी तो हैं ही। ऐसे ही एबी डिविलियर्स आपको बैडमिंटन खिलाड़ी दिखेंगे, इसके बाद फिर रेसर दिखेंगे, इसके बाद फिर आपको सिंगर दिखेंगे, एक्टर भी दिखेंगे, क्रिकेटर के रूप में तो संन्यास लिए ही हैं। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड जीता, ये किस देश से संबंधित है,
तो मोहम्मद रजा मासूमी, ये दोस्तों हैं ईरान के, इन्होंने ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी ग्लोबल अवार्ड जीत लिया है। ईरान की ये फोटोग्राफर है तो इन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है। ये बेसिकली यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, उसके सहयोग से आयोजित किया जाता है, ग्रीन स्टोन फाउंडेशन के द्वारा मिलकर के, तो उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी पुरस्कार जो है ये 13वां संस्करण था इस बार का, और जीत लिया मोहम्मद रजा मासूमी ने जो कि है ईरान के। सेकंड प्राइस मतलब उप विजेता कौन रहे, सेकंड पर रहे जोफेल बटेरा यबियोसा जो कि फिलीपींस के हैं। अच्छा, फिलीपींस से आपको याद आ रहा होगा, फिलीपींस को भारत देगा क्या, कौन सी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला भारत से पहला देश बनेगा फिलीपींस। ईरान फिलहाल देख लो मैप में कहां पर है, यहां पर है ईरान। ईरान की राजधानी क्या होती है, तेहरान होती है। इसकी मुद्रा अब क्या हो गई है, तोमान हो गई है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम रईसी। ठीक है, अगला देखते हैं, कार्बन तथस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना, वो बन गया है दोस्तों केरल। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला, एक नया प्रकार की खेती होगा ये, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग होगा। ठीक है, तो कार्बन जो न्यूट्रल फार्मिंग होने वाला है ये करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। इसके लिए केरल सरकार 6 करोड़ रुपए भी खर्च करने जा रही है। इसके फर्स्ट स्टेज के तहत आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, उसमें 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी। फिर सेकेंड स्टेज में 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म विकसित किए जाएंगे, डेवलप करे जाएंगे केरल में। क्लियर है, केरल ने ही स्मार्ट किचन योजना भी शुरू की थी, वन आई एस वन योजना वाला भी ये राज्य है। ठीक है ना, इसके राज्यपाल ने आरिफ मोहम्मद खान ने शुरू किया हुआ था। पिनराई विजयम यहाँ पर अभी दोबारा CM बन करके आए हुए हैं, CPIM पार्टी से हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, एस मणिकुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, प्रबल दावेदार हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट के, याद रखना है आपको इनका नाम। इसके बाद अगर लोकेशन देखना चाहोगे तो यहाँ पर है लोकेशन केरल, यहाँ पर है राज्य। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया। तो शहाबुद्दीन अहमद ये थे दोस्तों बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, इनका भी निधन हो गया है। शहाबुद्दीन अहमद दोस्तों ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये 1996 से लेकर 2001 तक बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे। वहां पर जो पूर्व सैन्य तानाशाह थे HM इरशाद, उनकी पार्टी, उनकी सत्ता को गिराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इन्होंने काफी ज्यादा वहां पर आंदोलन किए हुए थे। ठीक है, तो 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे, इनका भी निधन हो गया है। क्लियर है, बांग्लादेश आया है, बांग्लादेश देख लो, भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पर है बांग्लादेश। अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट है, शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ढाका राजधानी है, जातीय संसद यहाँ की संसद का नाम है। ओके, तो अब ये तो था करंट अफेयर, अब हम लोग करेंगे रिविजन। देखिए रिविजन होगा कुछ अलग तरीके से, किस प्रकार से होगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे जनवरी से, क्योंकि अभी पुस्तक और लेखक टॉपिक उठाया गया है, एक एक टॉपिक करके उठाया जाएगा। आज जो है जनवरी 2022 का जितनी भी पुस्तक और लेखक आया है इसका रिविजन करवाऊंगा मैं, तो इसमें आप ये जो जितनी पुस्तकें आए हैं इनको आप रिविजन करेंगे। ऐसे अगले दिन फरवरी का रिविजन करवाऊंगा, फिर इसके बाद मार्च का रिविजन, तो 3 दिनों में 3 आपका पुस्तक लेखक तैयार हुआ। फिर इसके बाद सैन्य अभ्यास, ब्रांड एम्बेसडर, दिवस, थीम, ऐसे ऐसे करके सारी चीजें टॉपिक बाय टॉपिक भी आपका साथ साथ चलता चलेगा। तो आप यानी कि पढ़ रहे होगे करंट अफेयर डेली का डेली, साथ ही साथ आप रिविजन कर रहे होगे पिछले महीनों का भी करंट अफेयर, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है, देखिए आपको यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है, इसमें से छांटना है कि कौन सा किसमें रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताते भी चलूंगा। देखिए शुरू करते हैं, आई थिंक अब आपके पास पर्याप्त समय मिल गया होगा, इतने में आपने कुछ थोड़ा बहुत दिमाग अपना लगाया ही होगा। चलो शुरू करते हैं, ममता बियॉन्ड 2021, इसको किसने लिखा है, ये पुस्तक है, ये पुस्तकों का नाम है, तो इसको किसने लिखा है, तो यहाँ पर से लेखकों में से आपको छांटना है। तो ममता बियॉन्ड इसको किसने लिखा है, जयंत घोषाल ने, जयंत घोषाल यहाँ पर है, इसको एक नंबर पर डाल दो। गांधी के हत्यारे, गांधी के हत्यारे इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो गांधी के हत्यारे नामक पुस्तक लिखा है धीरेंद्र कुमार झा ने, यहाँ पर है। ठीक है, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, रतन टाटा जी की बायोग्राफी किसने लिखा, वैसे तो ऑटोबायोग्राफी जो होता है दोस्तों ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखी जाती है और बायोग्राफी कोई दूसरा कुछ कोई लिखता है। ठीक है, तो रतन टाटा जी की बायोग्राफी है किसने लिखा है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने, इनके सामने 3 नंबर डाल दो। इसके बाद इंडोमिटेबल,
इंडोमिटेबल, मैंने आपको बताया था ना एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन चेयरपर्सन, तो वो थी अरुंधति भट्टाचार्य, इनकी ये आत्मकथा है, चार नंबर डाल दो। इसके बाद बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है दोस्तों चंद्रचूर घोष ने, पांच नंबर डाल दो। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको किसने लिखा है, इसको दोस्तों तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है, दोनों ने मिलकर के लिखा है, तो इनके पास छह नंबर डाल दो। द $10 trillion ड्रीम, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने, सुभाष चंद्र गर्ग के ऊपर सात नंबर डाल दो। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा, ये दोस्तों इसको लिखा बच्चों के लिए यही पुस्तक लिखते हैं, कौन लिखते हैं, रस्किन बॉन्ड, ठीक है, बच्चों के लिए यही पुस्तक लिखते हैं, तो आठ नंबर इनके पास डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे पूरी लिस्ट भी आपको आपके सामने दिख रही है। ठीक है, आई थिंक ये तरीका अच्छा तरीका है, धीरे धीरे करके हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे बहुत ही आराम से। ठीक है ना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोगों को लंबी वीडियो होने से भी प्रॉब्लम है। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का पहला क्वेश्चन आपसे है, आईक्यू एयर की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सी है। अगला, ग्लोबल हाउस प्राइम इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना, साथ ही साथ आज की वीडियो में कैसे लगा आपको देखने में, क्या एक्सपीरियंस रहा, ये भी आप जरूर बताइए हमें। आप पिछले दिन का रिवीजन भी शुरू कर चुके हो, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, बीच में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है आपको, और भी बहुत सारी चीजें अभी आगे भी आने वाली हैं, तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। MGT ऐप पर जाकर के इसका क्विज सॉल्व कर लीजिएगा, वहीं से आपको PDF ईबुक कोर्सेज भी हमारे मिल जाएंगे। बीच में एड्स भी बताने से बचा गया है, तो आप लोग को एंड में बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो कोर्सेज वगैरह परचेज करना है तो आप यहाँ से जाकर के परचेज कर सकते हो। मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।